वेलकम दोस्तों, उड़ान एजुकेशन हब के ऊपर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से आपको यहाँ पे करंट अफेयर के जो एमसीक्यू है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहाँ पे जो करंट अफेयर के एमसीक्यू है वो आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहूँ, ठीक है। अगर बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर मंथ के यहाँ पे जो एमसीक्यू है वो मैं डेली प्रोवाइड करवा सकूँ। अगर डेली प्रोवाइड नहीं करवा सका तो आपको वीकली ज़रूर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और अब ये देखिए, आपके हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पे हेल्प करेंगे। जैसे हमारे रेलवे के डी ग्रुप के एग्ज़ाम आने हैं, या फिर हम बात करें चंडीगढ़ पुलिस का यहाँ पे एग्ज़ाम आना है, या फिर कोई अदर एग्ज़ाम है, तो हर एक एग्ज़ाम में आपको ये यहाँ पे हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मराठी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो मराठी है वो कहाँ की एक आधिकारिक भाषा है। तो देखिए, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे जो मराठी है वो महाराष्ट्र की एक यहाँ पे आधारिक भाषा है, यानी कि बोले जाने वाली, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके साथ ही इसके साथ जो लगता है दादर और नागर हवेली, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसकी भी क्या है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इनकोरेक्ट, इफ रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड। इसने कहा अगर यहाँ पे जो ये कथन है, यदि यहाँ पे संसाधन है वो हमारे पास असीमित हो, तो इनके अंदर से कौन सी हमारी जो लाइन है वो करेक्ट होगी, देखते हैं। देयर वुड स्टिल इज स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे कमी भी हो जाए और उसकी आवश्यकता भी हो जाए तो ये तो लाइन हमारी नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। देयर वुड स्टिल स्कार्सिटी बट नो अपॉर्चुनिटी। अब ये बोल रहा है कि कमी भी हो लेकिन वहाँ पे कोई भी हमारे पास अवसर ना हो, तो अवसर नहीं होंगे तो हम उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, तो ये भी हमारी क्या होगी, नहीं हो सकती। ये दोनों हमारी गलत है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देयर वुड बी द नो स्कार्सिटी बट देयर वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बोल रहा है अगर कमी नहीं होगी लेकिन अवसर लागत है। देखिए, कमी नहीं है लेकिन हमारे पास जो लागत की है वो अभी तक अवसर है, तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे लाइन ठीक हो सकती है। लेकिन एक बार हम नेक्स्ट वाली और देख लें। देयर वुड नाइदर बी स्कार्सिटी नोर अपॉर्चुनिटी। ये बोल रहा है कि कमी भी नहीं होगी और अवसर भी नहीं होगी, तो ये भी हमारी क्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा रहेगा सी। आगे देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। ये बोल रहा है कि केंद्र सरकार यानी कि राज्य के अंदर जो सूची है वो किस विषय के ऊपर यहाँ पे कानून बना सकती है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ऑप्शन है, इफ द पार्लियामेंट पास ए रेजोल्यूशन। यदि संसद एक प्रस्ताव को यहाँ पे पारित कर देती है, यानी कि प्रस्ताव को लेके आती है या पास कर देती है, तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए अगर हमारी संसद है वो किसी भी बिल को यहाँ पे पास कर देती है, और खासकर अगर हम बात करें यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सूची के अंदर, ठीक है, ये तीन लिस्ट होती है हमारी, तो उसके अंदर जो राज्य की सूची है उसके अंदर यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है वो यहाँ पे क्या है, कानून बना सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन हैज द हाइएस्ट एफिनिटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर किसके साथ बढ़िया यानी कि बॉन्डिंग यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब यानी कि हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी लंग्स के अंदर, यानी कि जो लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, एल्वोलाई। अब एल्वोलाई के अंदर कौन कौन सी गैस हमारी इंटर कर सकती है, तो सभी कर सकती है। डाइनाइट्रोजन हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, CO2 हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैस क्या है हमारी इंटर कर सकती है। लेकिन अभी बात आती है कि ब्लड के अंदर हमारी कौन सी डिजोल्व हो सकती है, यानी कि जब अंदर जाएगा, तो देखिए अंदर जो हमारी गैस जा रही है वो उनमें से कौन कौन सी गैस जाएगी, देखिए O2 जाएगी, ठीक है। O2 किसके साथ में बाइंड होके जाएगी, प्लस में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके अंदर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन इनमें से ना नाइट्रोजन जा सकती ना CO2, लेकिन एक और गैस है, ठीक है, एक और गैस कौन सी है हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लेना रिवर पास थ्रू विच कंट्री। इसने कहा कि जो लेना नदी है वो यहाँ पे किस देश से गुजरती है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो लेना रिवर है ये रूस की है भाई, एक महान नदी है जो कि वहाँ से गुजरती है, और इसके अंदर जो क्षेत्रफल और वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा सी, यानी कि रसिया। चलिए आगे देख लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ
फ्लोरिन काज इज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्लोरिन है हमारा, अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसके निम्नलिखित क्या क्या यानी कि कारण रहेंगे, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी के, और इसके अंदर जो समस्या होगी, दिक्कत होगी, वो कौन सी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे डेंटल काजिस, तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए इसके अंदर क्या होगा, यानी कि जो यहाँ पे फ्लोरिन है उसकी कमी हो गई, उसके कमी हो जाने की वजह से यहाँ पे जो दांत है वो हमारे गलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि सड़ने शुरू हो जाएंगे, भुरने शुरू हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, जो इसके यहाँ पे उत्तक है वो क्या है, टूट जाएंगे, यानी कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है और उसकी वजह से क्या है, इनका टूटना पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो किसके अंदर होता है भैया, दांतों के अंदर, यानी कि दंत क्षय हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ये न्यूक्लियस रहता है। तो ये पूछ रहा है कि सेल को यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमारा क्या है भाई, क्योंकि देखो ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक भाई, ठीक है, तो कंट्रोल कौन करेगा यहाँ पे, केंद्रक करेगा। ठीक है, तो यानी कि न्यूक्लियस ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनके अंदर से सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा किसका होगा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्रिप्टोन का। क्योंकि देखिए मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्रिप्टन है, के आर से हम इसको डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर की अगर बात आती है तो 36 रहेगा इसका, और मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 157.2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या है इसका टेम्परेचर रहेगा। क्लियर है, आगे देखते हैं, द कॉमन नेम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, इसका यहाँ पे जो हेपा डाइहाइड्रेट है, इसका यहाँ पे जो कॉमन नेम रहेगा वो रहेगा यहाँ पे इप्सोम सॉल्ट, ठीक है, यानी कि जिसको हम सेंधा नमक बोल देते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे देखिए, हाउ मैनी मेगाबाइट इज इक्वल 1 टेराबाइट, तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे इसके अंदर करेक्ट रहेगा। आगे देखिए, शुगर केन इज द टाइप ऑफ, शुगर केन यानी कि गन्ना जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो देखो ये पहले हमें जब पता है, जब हमारी अर्थ का निर्माण हुआ तो उसके अंदर बोला जाता है कि सबसे पहले अगर किसी चीज़ का निर्माण हुआ तो वो हुआ था हमारा यहाँ पे दूब का, यानी कि घास का, ठीक है, तो ये जो गन्ना है हमारा वो एक प्रकार का घास ही है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Which is commonly known as father of microbiology, ठीक है, microbiology की फादर पूछे गए हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक यहाँ पे भाई किसका है, यहाँ पे जैसे कि हमने अभी देखा था, सेल देख लिया था, ठीक है, सेल हो गया हमारा, सेल का जो यहाँ पे बोला जाता है कि सेल की खोज किसने की थी, तो वो यहाँ पे की थी रॉबर्ट हुक ने। इसके अंदर जो न्यूक्लियस था हमारा उसकी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है, तो ये तो हमारे उसके रहेंगे, लेकिन अभी पूछ रहा है माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी का जो फादर होगा वो होंगे यहाँ पे एंटोनी फिलिप्स वैन लीवेनहॉयक, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, Which of the following is synthetic rubber? Synthetic rubber यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे जो नियोप्रिन है वो यहाँ पे एक इसकी कैटेगरी रहेगी नियोप्रिन की, तो ऑप्शन हमारा जो होगा इसके अंदर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं, NaCl has, यानी कि NaCl हमारा क्या है, तो ये क्या है एक प्रकार का, हम यहाँ पे बोल देंगे कि NaCl क्या है हमारा, यानी कि जो नमक बनाता है, सोडियम क्लोराइड हम इसको बोल देते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर पूछा गया कि इनके अंदर से हमारा क्या है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इनको हम आयनिक यौगिक बोल देते हैं, ठीक है, आयनिक यौगिक हम इनको भी बोल देते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो इसको शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद क्या है, इसको लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और हमें कमेंट करके भी बताते रहिएगा कि आप इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।